हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हियर आई एम बैक विथ अनादर वेरी स्पेशल वेरी इंटरेस्टिंग हॉल। और आज का हमारा हॉल वीडियो है पूरे आलिया भट्ट की जो कुर्तीज़ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और बहुत सारे लड़कियां मुझे DMs कर रही थी कि आप आलिया कट, जो मैंने नायरा कट का हॉल बनाया था, आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे आई थी कि तुम आलिया कट भी पैटर्न का वीडियो बनाओ। सो मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, तो मैंने आज रस्ट ऑरेंज जो ब्रांड है इनकी ओर से, इनके पास मुझे कलेक्शन बहुत सुंदर लग रहा था आलिया कट के, उनके पास बहुत सारी वराइटीज़ थी। तो मैंने आज टोटल 11 आर्टिकल्स हैं, मेरे ख्याल से 9 आर्टिकल्स है, पता नहीं 11 इसमें क्या है, पैकेट से मेरे पास 11 है, बट यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर किए थे वो 9 आर्टिकल्स है। तो टोटल मैं 9 आर्टिकल्स दिखाने वाली हूँ और ये सभी रहेंगे आलिया कट जो पैटर्न है उनकी जैसी कुर्तीज़ है, और मैंने सब वैसी मंगवाई है। और आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सभी ड्रेसेस जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस आएंगे, क्योंकि अभी नवरात्रि है, देन दशहरा है, देन दिवाली है। सो पूरे 2 महीने तक अभी तो पूरा फेस्टिव सीज़न ही रहेगा। सो आप सभी लोग कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल ज़रूर लेंगे, तो ऐसा नहीं वेस्टर्न ड्रेसेस के भी हॉल आएंगे, बट दिवाली की एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो मैं बहुत सारे ट्रेडिशनल ऐसे ऑप्शंस लेके आऊँगी जो आप दिवाली पे अपने अपने लिए बाय कर सकते हो। और ये जो ड्रेस मैंने पहना है इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये शरारा सेट है एंड आई एम इन लव विद दिस ड्रेस। आप मेरे पास है ना, ये इयररिंग्स मैंने 6 महीने बैक लिए थे, इसके साथ में मुझे कोई ड्रेस ही नहीं मिल रहा था, आज मुझे ड्रेस मिला है। तो फिर मैंने पहन के बाद पता चला कि थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है कोई नहीं, मैंने एटलीस्ट इसको पहन तो लिया कहीं ना कहीं। हम अभी स्टार्ट करते हैं। इससे पहला जो हमारा कुर्ता है वो है बेबी पिंक कलर में, वी नेक है, गैदर ड्रेस। हाँ, इसको मतलब आलिया कट पैटर्न को गैदर फैब्रिक इन्होंने बोला है, तो मे बी ये गैदर होता है ना बीच में, तुम दैट्स द रीज़न। और ये पफ स्लीव्स में है, इसकी जो प्राइस है वो 1826 है, बट इनकी क्वालिटी बहुत सुंदर होती है, तो हम वो चेक करेंगे। इसमें 2 कलर्स थे, मैंने बेबी पिंक मंगवाया है, सो मुझे देखना पड़ेगा इसमें कौन सा वो पार्सल। देखो प्राइजेस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे, आपको इनके सबके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हो और देखते हैं। और ये सभी ड्रेसेस जो है ना मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर किए, ओके, सभी के सभी ड्रेसेस मीडियम साइज़ में हैं। सो देखो ये ऐसा सा कुछ है, प्यारा लग रहा है ना, एक्चुअल में फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और मुझे इसका फैब्रिक रेयॉन लग रहा है, साइड में ऐसे पॉम पॉम लगे हुए हैं, बीच में ये वाली डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये यहाँ पे इसको गैदर फैब्रिक बोलते हैं जो यहाँ पे गैदर हुआ है, एंड देन लुक एट दिस ड्रेस, काफ़ी प्यारा लग रहा है, इसके बीच में ये अलग सा ही प्रिंट हुआ है, लुक एट दिस, मुझे लगता है काफ़ी सुंदर लगेगा मेरे ऊपर। और इसके साथ में आप कोई लेगीज या फिर प्लाजो भी वेयर कर सकते हो, मुझे ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इनकी स्टिचिंग फिटिंग और ऑब्वियसली अच्छा ब्रांड है तो फिर हमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुंदर मिलती है, दैट्स वाई मैं इसको ट्राई करके इसका लुक और फिट आपको दिखाती हूँ, आगे वीडियो में ज़रूर देखना। वाओ, ये कुर्ती इतनी सुंदर है, देर इज नो वर्ड्स। फर्स्ट थिंग दैट इसके पैटर्न इतना सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन इतने सुंदर है, मुझे लगा ही नहीं था कि जब मैंने आपको दिखाया तो मुझे नहीं लगा था कि इतनी प्यारी लगेगी। इसके साइड में यहाँ पे पॉम पॉम लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, जिनके भी ये शोल्डर साइज कम है या फिर ज़्यादा है उनके लिए ये कुर्ती बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके कलर्स ही बहुत उभर के आ रहे हैं, और पता है इनके हर कुर्ती में ना आपको पॉकेट्स मिलेंगे, ये मैंने बाद में चेक किया, बट या पॉकेट तो है ही, ऊपर से यहाँ पे आपको फिटिंग के लिए जिप दी हुई है, और क्या चाहिए, इतनी सुंदर क्वालिटी। और देर इज़ नो सिंगल वर्ड फॉर दिस कुर्ती, अगर आप ऐसा कुछ आर्टिकल देख रहे हो सो आँख बंद करके इसके साथ चले जाओ, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं पूरा लुक दिखाती हूँ, मेरे पास वैसे मैचिंग में था भी नहीं, फिर भी इतनी प्यारी लग रही है, आई एम इन लव विद दिस कुर्ती। मेरे पास आज तक ऐसा कोई आर्टिकल था भी नहीं और मुझे इतनी प्यारी लग रही है ना, क्या बोलूँ मैं आपको। और यहाँ पर ना आपको इलास्टिक भी मिल रहा है, तो आप है ना अपने अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर फिटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, विच इज़ रियली गुड, आई एम इन लव विद दिस कुर्ती, देर इज़ नो वर्ड्स, नो नो। सो गर्ल्स, अभी जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ना उसमें दिया है मरून बांधनी वी नेक है, इसका भी अगेन गैदर फैब्रिक है, मींस आलिया कट पैटर्न है। आप इसकी इमेज देखना, इमेज में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और बांधनी प्रिंट का भी मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था, आई एम थिंकिंग ऑन दैट, तो देखती हूँ मैं कोई पॉसिबल होता मीशो से भी मैं ज़रूर करूँगी। जस्ट ओपन इट, ऐसा कुर्ता है ना कि इसका ट्रेंड कभी नहीं जाता है,
सो ये चीज़ मुझे काफ़ी प्यारी लगती है। मैंने 4 साल पहले एक बांधनी का कुर्ता स्टिच किया था, वो आज भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सो ये भी अगेन मीडियम साइज में है और यहाँ पे ऐसा बीच में आपको वी नेक मिलेगा। देखो यहाँ पे कितना फाइन स्टिचिंग हुआ है, कितना प्यारा वर्क लग रहा है। ऐसे कुछ स्लीव्स है इसके एंड यहाँ पे अगेन गैदर फैब्रिक है, बट इसको वो ये कट करता है। नीचे का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा पतला है बट काफ़ी प्यारा लग रहा है। और साइड में अगेन आपको ये टाइप में डिज़ाइन मिलेगा, इसको कट नहीं है कहीं पे, ये पूरा गैदर है। और पीछे से आपको सेम चोली पे इस टाइप में डिज़ाइन मिलेगा एंड देन नीचे प्लेन वाला डिज़ाइन है। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जिनको भी ऐसे डिसेंट से क्लोथ ज़्यादा पसंद आते हैं, जिनको फैब्रिक के बहुत इश्यूज रहते हैं, मतलब क्वालिटी एकदम टॉप नॉच चाहिए, सो या दिस इज़ द राइट आर्टिकल। अच्छा लग रहा है मुझे इसको, मैं काफ़ी अच्छे से स्टाइल कर सकती तो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। और मुझे नहीं पता इसके नीचे मुझे कुछ मिलेगा पहनने के लिए, नहीं तो मेरे पास है ही अमेज़ॉन का बॉटम वेयर, उसके साथ में वेयर करके दिखाऊंगी। सभी कुर्तीज़ में मैंने अपने बाल जो है टाई कर लिए हैं ताकि आलिया कट का जो पैटर्न है मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, क्योंकि शोल्डर पे और यहाँ पे पूरा डिज़ाइन होता है। अब इस ड्रेस में सबसे अच्छी चीज़ कोई मुझे लगी है वो है इसका नेक, क्योंकि ये नेक है ना थोड़ा सा डीप है और मुझे ऐसे नेक बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको डीप लग रहा है तो आपको यहाँ पे छोटी सी पिन लगानी पड़ेगी, बट इसका पैटर्न माइंड ब्लोइंग, मीडियम साइज़ मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हुआ है, मतलब थोड़ा सा लूज़ है बट काफ़ी सुंदर लग रहा है। और आप देखो ना ये साइड से जो डिज़ाइन हुआ है, बांधनी प्रिंट का तो कभी भी ट्रेंड नहीं जाता है, यहाँ से उसकी जो फिटिंग आ रही है आपको बिल्कुल भी चीप फीलिंग नहीं देने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लुक देगा ये ड्रेस। आई एम रियली इम्प्रेस विद दिस कुर्तीज़, सभी कुर्तीज़ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सुंदर है। मैंने नीचे ये प्लाजो पहना है क्योंकि मेरे पास ये कलर का ही प्लाजो था और मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं ढूंढना चाहती थी। ये प्लाजो को भी लिंक मैं दे दूंगी, मैंने ये अमेज़ॉन से लिया है, बट इसके साथ में ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मेरी हाइट भी काफ़ी अच्छी लग के आ रही है। और फेस्टिव वेयर के लिए इस टाइप के कुर्ता सेट्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और मैं दूंगी इसको 100 and 100, टॉप नॉच है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आपको एक दो कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर मिलेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। गर्ल्स अभी जो हमारा नेक्स्ट ड्रेस है वो है मिंट ग्रीन कलर में, इसकी इमेज देखना, इमेज में ये कलर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, पैटर्न भी अच्छा लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन भी, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते। इसकी प्राइस है 1349 rupees। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक साइजेस मिल जाएंगे। अभी इसको अनपैक करके देखते हैं कि कैसा है क्या है। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो लुक एट दिस, यहाँ पे आपको वी नेक मिलेगा, इसके ऊपर जो डिज़ाइन मिला है काफ़ी प्यारा लग रहा है, आपको कॉलर वाला डिज़ाइन मिलेगा, लेट मी शो यू इस टाइप में। एंड देन इसके स्लीव्स देखना कितने प्यारे हैं, पर्फ्स के स्लीव्स है, यहाँ पे साइड में आपको डिज़ाइन मिलेगा एंड देन बीच में भी आपको यहाँ पे गैदर फैब्रिक मिलेगा, बीच बीच में आपको ना ऐसे फ्लावर के प्रिंट मिलेगी जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। इसका ना रेयन का फैब्रिक मुझे लग रहा है, लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, स्टिचिंग भी फाइन है, ऑब्वियसली रेयन का फैब्रिक है, बट एकदम से कपड़े की दुकान में जाने के बाद वो कपड़ों की खुशबू आती है ना वैसी सी आ रही है, काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे ये आर्टिकल। चलो इसको स्टाइल करके मैं बताती हूँ आपको ये कैसा लगेगा। बस ये कुर्ती का लुक देखना, ये पिस्ता सा कलर अच्छा लग रहा है, मैंने ये टाइप में कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं पहना था, बहुत सारे आज तो कलर कॉम्बिनेशन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं। इस कुर्ती में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, ये नेक जो है ना थोड़ा सा नीचे तक होना चाहिए था, मुझे अंदर ही नहीं जा रहा था, मैंने ज़बरदस्ती घुसाया है। एंड देन इसकी स्लीव्स मुझे थोड़ी सी जो फिटिंग है ना थोड़ी सी टाइट लग रही, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब मैं अनकम्फर्टेबल नहीं हूँ, बट बाकी की कुर्तीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील कर रही थी। ये मुझे बीट ऑफ टाइट है, ये मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर की थी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इसके कलर कॉम्बिनेशन, इसकी लेंथ, एवरीथिंग अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे डिज़ाइन देखना, यहाँ पे भी इलास्टिक लगा हुआ है छोटा सा, ये साइड में जिप वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको परफेक्ट साइज ही ऑर्डर करना पड़ेगा। पॉकेट्स तो हर कुर्ती में आपको मिलेंगे और मैं आपको थोड़ा सा पीछे से लुक दिखाती हूँ, देखो इसकी लेंथ कुछ इतनी है। वैसे कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिनको भी पिस्ता कलर पसंद है वो इसके कुर्ती के साथ जा सकते हैं, पीछे से कुछ ऐसा सा लुक आ रहा है, सो मतलब अच्छी लग रही है, बट मुझे ना ये कलर कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो लग रहा है बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो आप ही मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। और या सो गर्ल्स अभी जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ना उसके मैं डिटेल्स देती हूँ आपको। ये है एम्ब्रॉयडर्ड ग्रीन वी नेक ड्रेस विद बूटा एंड पोलका डिज़ाइन दिया हुआ है, पोलका प्रिंट है इस पर, ऐसा बोला है। यहाँ पे 1466 इसकी प्राइस दी है। इसमें मैंने बॉटल ग्रीन कलर मंगवाया, इसमें 2 colors थे और या साइजेस तो इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सल तक है, अभी देखते हैं कि कैसा है ये। तो ये रहा वो आर्टिकल, चलो इसको ओपन करते हैं। इनकी पैकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने पैक करके दिए हैं और सबके फैब्रिक तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है।
दिवाली के लिए इस टाइप में आप कुछ डिसेंट से कुर्तीज़ देखना चाहते हो तो काफ़ी सुंदर आर्टिकल्स मुझे लग रहे हैं। हाँ, बॉटल ग्रीन कलर तो है ही सबसे सुंदर। इसके ना मैंने बॉटल ग्रीन का और पिंक का कॉम्बिनेशन कभी मतलब ट्राई नहीं किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट चेकिंग दिस, देखते कैसा लगेगा मेरे ऊपर। सो लुक एट दिस अगेन, यहाँ पे वी नेक है। सो आलिया कट जो भी कुर्ती सेट है, कुर्तीज़ हैं, उन सब में वी नेक ही होता है, आपने भी देखा होगा, क्योंकि वो पैटर्न ही वैसा है। बस यहाँ पे कुछ इस पे डिज़ाइन है, कुछ इस पे नहीं है, तो ऐसा कुछ वी नेक मिलेगा। एंड देन ऐसे कुछ स्लीव्स है, स्लीव्स पे काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है। एंड देन यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन मिलेगा, देखो बीच में, और यही बहुत खास चीज़ होती है इसकी। एंड देन उसके बाद में बीच बीच में आपको फ्लावर्स मिलेंगे, सबसे लास्ट में आपको इस टाइप में डिज़ाइन मिलेगी जो कि पिंक कलर है ना। अब मुझे ये पता नहीं कि ये कैसा दिखेगा, सो हमें इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल इसमें काफ़ी सुंदर लगता है। पीछे से आपको प्लेन सा डिज़ाइन मिलेगा, बट यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ना, ये भी मिलेगी। सो ये लुक वाइज बहुत सुंदर लगेगा। इसका भी रेयन का फैब्रिक मुझे लग रहा है, या फिर पॉलिएस्टर हो सकता है मे बी ये। सो काफ़ी सुंदर लग रहा है एक्चुअली फैब्रिक भी, और खुशबू तो बहुत ज़्यादा सुंदर आ रही है हर क्लोथ से। मतलब मुझे पसंद है क्लोथ की खुशबू, बट बंद हुए नहीं, एक अजीब सी खुशबू होती है न्यू क्लोथ्स की, वो लग रही है मुझे। सो आई एम इम्प्रेस, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। सो गर्ल्स लुक एट दिस कुर्ती, मुझे समझ में नहीं आ रहा सभी कुर्तीज इतनी सुंदर लग रही, मैं क्या बोलूँ। इसके कलर्स मुझे नहीं पता था कि कैसे लगेंगे, बट ये बहुत प्यारे निखर के आ रहे हैं। सबसे पहले इसका नेक जो है ना, ये यहाँ तक आ रहा है, ज़्यादा डीप नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे वेस्ट को डिफाइन किया है। स्टिचिंग काफ़ी प्यारी है, स्लीव्स बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ये नीचे का फ्लेयर भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसके नीचे अगर मेरे पास पिंक कलर की प्लाजो होती तो मैं उसके साथ वेयर करती थी, बट मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इसके साथ में ही इसको वेयर करके दिखा है। काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, आई एम रियली इंप्रेस विद दिस कुर्ती एज वेल। आलिया ने कमाल कर दिया। हाँ, पीछे से मैं इसका लुक दिखाती हूँ, और पीछे से कुछ ऐसी लग रही है। मुझे लगता है कि ये सभी कुर्तीज़ फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाली है। आप इसमें से अगर आपका कोई प्लान है तो इसमें से एक हाथ कुर्ती तो ज़रूर ट्राई करना, अपने लिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। फैब्रिक बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसमें ना आपको साइड में पॉकेट भी दिया है। सो ये चीज़ तो एक और अच्छी है, क्या बोलूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा ही लग रहा है मुझे। सो बिग यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, अभी जो हमारी नेक्स्ट कुर्ती है, विच इज़ मरून एंड ब्लू कलर में है, वी नेक है, गैदर फैब्रिक दिया है, 1556 इसकी प्राइस है, और ये पिंक एंड ब्लू कलर में है। इसमें भी एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक साइजेस हैं, और देखते कैसा है। सो आप इसकी इमेज देखना, इमेज में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब मुझे ना ये रस्ट ऑरेंज की एक चीज़ लगी, इनके पैटर्न जो है ना काफ़ी यूनिक है। अगर आप मीशो पे जाके मतलब मीशो से बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, दैट्स वाई मीशो पे जाके ये वाले आर्टिकल सर्च करोगे, आलिया कट कुर्ता से, इसमें ना बहुत कॉमन सी चीज़ें मिलेंगी, और मुझे ना कॉमन चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मुझे ना सबसे थोड़ा अलग से कुछ अच्छा लगता है। सो अभी ये मतलब ब्लू तो नहीं बोल सकती मैं, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन भी कलर है इसमें, और ये मरून रेडिश मरून भी कलर है, तो ऐसा सा कुछ ये कुर्ता है। इसके इमेज में तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसा है। देखो यहाँ पे आपको वी नेक मिलेगा, अगेन ऐसी डिज़ाइन है, बट ये वी नेक काफ़ी मतलब डिसेंट सा है, और इस टाइप में कुछ डिज़ाइन मिलेगी। साइड में आपको ये पॉम पॉम मिलेंगे। मुझे ना ये फैब्रिक इनके बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं, और इसमें एक चीज़ और अच्छी है। देखो आपको यहाँ पे एक वेस्ट डिफाइन करने के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद में फ्लेयर ऐड करने के लिए अगेन यहाँ पे कुछ डिज़ाइन लगा हुआ है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ है। नीचे अगेन आपको पॉम पॉम मिलेंगे। सो मुझे ये देखना है कि इसका लेंथ और कैसा आएगा, और यहाँ पे ना इन्होंने एक नॉड भी दी हुई है, बट मुझे नहीं लगता इसको कुछ, ये सिर्फ स्टाइल के लिए है, इस पर कुछ मतलब हम लोग टाइट वगैरह नहीं कर सकते हैं। मुझे इसका फैब्रिक एंड इसके प्रिंट्स काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, स्पेशली ये नीचे वाला प्रिंट। अब पता नहीं कि मतलब पहनने के बाद कैसे लगेगा, क्योंकि ये वाला प्रिंट अगेन नीचे भी हुआ है। सो काफ़ी यूनिक पैटर्न है आलिया कट कुर्तीज़ में, और मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है ये हॉल बना के, क्योंकि मैंने कुछ नया ट्राई किया है, कुछ नई चीज़ें मंगवाई है। आप चाहते हो कि मैं ऐसी नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँ तो प्लीज़ बताना, मैं नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और चलो इसको वेयर करके दिखाती हूँ। गर्ल्स लुक एट दिस कुर्ती, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। सबसे पहले तो अच्छे इसके पॉम्पॉम और ये जो लेस लगी हुई है, पूरा डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो यहाँ पे डिटेलिंग हुई है, ये भी काफ़ी प्यारी लग रही है। इसको आप अच्छे से टाई कर सकते हो। ये कुर्ती मुझे नवरात्रि की वाइब दे रही है, वैसे भी अच्छी लगेगी, और आप कहीं और भी पहन सकते हो। नीचे इसके कलर्स जो है वो ज़्यादा डार्क है, और अगेन नीचे भी आपको पॉम्पॉम लगे हुए मिलेंगे, और ये पूरा राउंड में कुर्ती है, तो आप इसके ऊपर मतलब आप गरबा खेलने या फिर कोई और इसमें जा रहे हो तो ज़रूर पहन सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा वो
वो भी नहीं लगेगा और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। पीछे से इसका लुक देखना कितनी प्यारी लग रही है। हाइट वाइज मेरी हाइट 5'6" है तो आप सोच सकते हो कि कितनी प्यारी लग रही है। सो मुझे ये भी कुर्ती बहुत सुंदर लगी। इसके भी साइड में आपको यहाँ पे पॉकेट मिलेगा, जिप तो नहीं है बट एवरीथिंग इज जस्ट गुड और यू कैन गो विद दिस कुर्ती। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट ड्रेस है वो है येलो कलर में, येलो एंड स्काई ब्लू दिया है वीने के अगेन। ये लोटस ड्रेस बताया है, 1601 इसकी प्राइस है। इसमें तीन कलर्स थे, मैंने येलो मंगवाया है। आप इसकी इमेज देखना, इमेज मतलब वाह क्या मस्त लग रहा था। मैं अभी इसको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये येलो वाला आर्टिकल ये रहा। ओके सो ये रहा हमारा येलो एंड ब्लू वाला कॉम्बिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इनके कलर कॉम्बिनेशन, इनके ड्रेस में जो खुशबू आ रही है ना, क्या बोलूँ मैं। आदत हो गई ना मीशो के वो ड्रेसेस मंगवाने की, कभी कभी बदबू भी आती है तो ऐसे ऐसे। चलो मैं उसको दिखाती हूँ। सो ऐसा सा कुछ वी नेक है इस पर और ऐसा कुछ लगेगा। इसके बीच में आपको इस टाइप में प्रिंट मिलेगी जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। स्लीव्स कुछ ऐसे है, स्लीव्स पे अगेन ये वाली डिज़ाइन मिलेगी। यहाँ पे वेस्ट डिफाइन करके दी है। मुझे लगता है ये मुझे लूज़ होगा, पता नहीं कैसा रहेगा ये पैटर्न क्योंकि मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, बट मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। स्पेशली इसके ऊपर जो डिज़ाइन हुआ है ना वो इसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और पीछे से ऐसा सा कुछ है। एक्चुअल में मुझे ना इसका ये जो नीचे का मस्टर्ड येलो कलर है ना बहुत प्यारा लग रहा है। चलो इसको ट्राई करके इसका लुक और फिट दिखाती हूँ आपको। सो गर्ल्स, इस कुर्ती की सबसे पहली बात करते हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ लग रही है। आप देख सकते हो, मुझे नहीं याद है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। अगर मेरी साइज़ एल मंगवाई है या एम, उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपने लिए मंगवा रहे हो तो एक साइज़ छोटी जाओ क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ लग रही है बाकी की कुर्ती के कंपेरिजन में। स्लीव्स में भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। अब बात करते हैं इसके पैटर्न की, तो ये पूरा कॉटन का फैब्रिक है। यहाँ पे नेक पे कुछ ऐसी सी डिज़ाइन लगी हुई है जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। सो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे है। इसके नीचे आपको ब्लू कलर का ही कुछ पहनना पड़ेगा तभी ये अच्छी लगेगी। इस टाइप में डार्क ब्लू जो कलर लगे हुए हैं, इस टाइप में लेगीज या समथिंग आप पहन सकते हो, या फिर बीच में जो मैंने स्किन कलर का बॉटम वेयर पहना है ऐसा कुछ आप पहन सकते हो। बट ये कुर्ती मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी। पीछे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है और थोड़ी सी फिटिंग में अच्छी होती तो मैं बोलती थी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब मुझे याद नहीं मैंने क्या मंगवाया था, मे बी वो साइज़ अवेलेबल नहीं रहेगा तभी मैंने मंगवाया होगा। ऐसे चीज़ में नाम रखने जैसा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गर्ल्स, अभी जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो एक बेज कलर का ड्रेस है, 1511 इसकी प्राइस है। और ये भी अगेन सेम कुर्ता है, देखते हैं कैसा है। इसकी इमेज मैं साइड में देती हूँ। और अभी तक के सभी आर्टिकल्स मुझे काफ़ी प्यारे लगे। सो अभी ये थोड़ा सा ऑफ कलर में है और ये कलर का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा था, आपने देखा होगा मीशो पे। बट ये सेम आर्टिकल नहीं है, वो आर्टिकल काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। ये प्रॉपर मुझे कॉटन का फैब्रिक लग रहा है। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको वी नेक मिलेगा और पीछे से कॉलर है। यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बने हुए जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। देन उसके साइड में इस टाइप में डिज़ाइन बनी हुई जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। लुक एट दिस प्रिंट, काफ़ी प्यारी प्रिंट भी लग रही है मुझे इसके ऊपर ब्लैक के साथ। और ये ऑरेंज शेड है इसके साथ में हुई है। और प्योर कॉटन का ये ड्रेस है, जिनको भी गर्मियों में क्या पहनो समझ में नहीं आता है, गर्मी बहुत होती है उनके लिए। मुझे नहीं, ये ऊपर का फैब्रिक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत यूनिक सा मतलब है ये। मुझे लगा था कि इतना प्यारा नहीं लगेगा बट सच में ये बहुत प्यारा लग रहा है। चलो इसको वेयर करके इसका लुक और फिट आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस कुर्ती, मैंने बोला था ये वाली डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और ये कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हुई है। यहाँ पे इस टाइप में नेक मिल रहा है जो कि बॉर्डर को डिफाइन कर रहा है। और अगेन आपको साइड में भी इस टाइप में डिज़ाइन मिल रही है। ये पूरी कुर्ती जो है ना, ये ऑरेंज का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मैंने इसके साथ अगेन वही प्लाजो ट्राई किया। आप देखना कि इसमें हाइट भी काफ़ी अच्छे से लग रही है। अगर आप प्लाजो पहनोगे तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल दिखेगा। इसके नीचे अगर आप ब्लैक लेगीज़ पहनोगे तो फिर ये आप इसको ऑफिस में या फिर बाहर कॉलेज में वगैरह भी पहन सकते हो। मुझे काफ़ी सुंदर लगा ये भी कुर्ता। मैं पीछे से इसका लुक दिखाती हूँ आपको, देखना। और जिन लोगों को भी अपना टमी छुपाना है, ऊपर से आपको अच्छा भी दिखना है, सो इस टाइप में कुर्तीज बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है क्योंकि आपका वेस्ट डिफाइन यहाँ से होता है और आपका टमी यहाँ पे होता है। सो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है और फिगर भी अच्छी दिखती है। सो मुझे ये काफ़ी सुंदर लगा ये भी आर्टिकल। मैं इसको भी अप्रूव करूँगी, फैब्रिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और क्या चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
सो गर्ल्स, अभी जो हमारा लास्ट वाला आर्टिकल है, ऑब्वियसली मैंने कुछ मंगवाया उसमें ब्लैक ना हो, तो मैंने ना फेस्टिव वेयर का याद ध्यान रखते हुए प्योर पूरा ब्लैक तो नहीं मंगवाया है, बट इसमें ब्लैक एंड रेड कलर है, बॉर्डर डिटेल्स दिए हैं और इसकी प्राइस बीट हाई है 1961 रुपीज़ है, क्योंकि कुर्ता भी उतना प्यारा और लॉन्ग है और इसमें साइजेस ऑब्वियसली एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक साइजेस है, तो मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट आर्टिकल फ्रॉम दिस हॉल वीडियो। लेट्स जस्ट ओपन दिस। काफ़ी हेवी है, मतलब जितने सारे पार्सल्स थे ना उसमें सबसे ज़्यादा हेवी है, क्योंकि ये कुर्ता काफ़ी बड़ा है। प्योर रियॉन का फैब्रिक मुझे लग रहा है और ये ना इस टाइप का कुर्ता बहुत ज़्यादा ही फेमस था। आप देखना यहाँ पे आपको ऐसी लेस मिलेगी वी नेक, एंड देन यहाँ पे ये वाला आलिया कट है और यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है, इसमें आपको थोड़ी सी शाइन मिलेगी एंड देन इस साइड में भी आपको सेम डिज़ाइन मिलेगी और शाइन है। ये डिज़ाइन काफ़ी प्यारी लग रही है। नीचे आपको ऐसे छोटे छोटे डॉट्स मिलेंगे जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। इसमें रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये कुर्ता काफ़ी बड़ा लग रहा है। इवन आप नवरात्रि आ रही है, अभी नवरात्रि पे भी इस टाइप की कुर्ती अच्छी लगती है। देखो ना नीचे का बॉर्डर कितना बड़ा है, इसका फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है और इवन आप इस नवरात्रि पे इसको पहन के बाद में भी बहुत जगह पे इसको पहन सकते हो, जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स रहते हैं उसमें पहन सकते हो। अब इसकी स्लीव्स भी है ना, ये 3/4 है, पीछे से प्लेन सा नेक बना हुआ है जैसे कि नॉर्मली बनता है। सो मुझे ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ट्रेडिशनल वाइब दे रहा है। चलो इसको वेयर करके इसका लुक और फिट आपको मैं दिखाती हूँ। गर्ल्स, इस कुर्ती की मैं बात करूँ, इसका एकदम प्रॉपर प्यारा सा नेक है। यहाँ पे आप डिज़ाइन देखना कितनी प्यारी हुई है, छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। अब मैं इसका लुक दिखाती हूँ, इसके स्लीव्स देखना, ये प्रॉपर जैसे कि आप नवरात्रि में पहन सकते हो ना उस टाइप में कुर्ती है। आपको इसको बाद में भी पहन सकते हो और मतलब है ना, मुझे इसके फ्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे। मुझे नहीं पता था इतने बड़े लंबे अच्छे खासे फ्लेयर्स आएंगे। लुक एट दिस, मतलब इतने बड़े फ्लेयर है इसके, आप इसमें आराम से गरबा खेल सकते हो, इवन इसको आप कभी भी पहन सकते हो। इसमें भी पॉकेट दिया हुआ है विच इज़ रियली गुड। इसमें कहीं पे भी जिप तो नहीं है। पीछे से इसका लुक देखना कैसी लग रही है, और इसके प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे लगा था ये प्राइस कहीं ज़्यादा ना हो जाए, बट टॉप नॉच क्वालिटी, बहुत सुंदर आर्टिकल है। आपने परचेस किया, इसको पहना तो ज़रूर कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, बहुत सुंदर आर्टिकल है। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कॉमन है बट मुझे परफेक्ट लगी है कुर्ती, काफ़ी सुंदर है नवरात्रि के लिए, तो बहुत सुंदर आर्टिकल है, जस्ट गो विथ इट। गर्ल्स लुक एट दिस कुर्ती, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन इज दिस। मुझे आज की सभी कुर्तीज बहुत पसंद आई है, पर्सनली जस्ट लव इट। आप देखो इसका नेक कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद में प्रॉपर मुझे यहाँ पे फिटिंग में मिली, यहाँ पे थोड़ा सा इलास्टिक लगा हुआ है, साइड में यहाँ पे पॉम्पॉम लगे हुए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसका लुक काफ़ी सुंदर आ रहा है। मैंने इसके नीचे ब्लू कलर की प्लाजो पहनी थी बट मैंने बाद में चेंज कर दी, थोड़ा सा कलर चेंज था तो मैंने यही प्लाजो रखी। काफ़ी सुंदर लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत उभर के आ रहे हैं। पीछे से मैं इसका लुक दिखाती हूँ, बहुत प्रॉपर फिटिंग में आई है, मीडियम साइज़ में मैंने ऑर्डर की थी और देखो आप, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। इसमें भी आपको अगेन साइड में पॉकेट मिलेगा, मरून कलर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आप इसमें अच्छे से इस टाइप में कोई झुमके पहनोगे तो ये बहुत सुंदर ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करेगा, और प्लाजो लेगीज आप जो चाहो वो पहन सकते हो। बहुत सुंदर कुर्ती है, मेरी एंड से यस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। That's it for today's videos, girls. I hope कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ अलग ब्रांड से कुछ अलग कलेक्शन ट्राई किया हो। अगर आपको ऐसे क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में कुर्तीज़, कुर्ता सेट पसंद है तो प्लीज़ मुझे आप रिकमेंड कर सकते हो, उसका मैं हॉल वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और अभी और दिवाली के लिए बहुत सारे कलेक्शन आने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे लाइक कर देना, और यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी है तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा अपडेटेड रहती हूँ। मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और या इस ड्रेस के भी डिटेल्स दे दूंगी, इसके जो स्ट्रैप्स है वो एडजस्टेबल है, सो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और मुझे काफ़ी प्यारा लगा ये शरारा सेट। इसका भी हॉल वीडियो आएगा, रुको ज़रा सब्र करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मच लव।